हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शाइज़ीन ब्लॉग। सो गाइस सॉरी, मैं क्योंकि थोड़ी सी अवेलेबल नहीं थी और वीडियोस नहीं बना रही थी, और मुझे पता आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे मेरे ब्लॉग्स का, और आप लोग जो है वो सेल की अपडेट्स भी मुझे देनी थी कि अभी जो है रिसेंटली क्या क्या रीस्टॉक चीज़ें हुई हैं और क्या क्या मज़ेदार से कपड़े आए हुए हैं। अच्छा, मैं आज आप लोगों को दोबारा से रिव्यू करा रही हूँ बीच ट्री की सेल का, जो उसके रीस्टॉक आइटम्स हैं, जो कि नए आइटम्स आए हैं स्टोर में, और मैं काफ़ी बार गई भी हूँ स्टोर से, मैंने कई चीज़ें ली हैं। एंड देन मैंने सोचा, क्योंकि जैसे कि मैं गई थी वहाँ पर, मैंने देखा तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आर्टिकल्स आए हुए थे, और मैंने फिर आप लोगों के लिए इस ब्लॉग के अंदर जो कि सारा रीस्टॉक हो चुका है उसी के ऊपर ब्लॉग बनाया, ताकि आप लोगों को जो है मैं थोड़ा सा अपडेट कर सकूँ और आप लोगों को पता चल सके। और फिर यहाँ पर तो अप टू 70% ऑफ वैसे ही चल रहा है, और इसी के अंदर जो है वो पेपर लैंड भी है बच्चों का, जो है किड्स का सारी कलेक्शन उसकी है, क्योंकि वो भी बीच ट्री ओन करता है उस ब्रांड को, और फिर उसके अंदर भी जो है अप टू 70% ऑफ चल रहा है। और फिर मैंने वहाँ से भी कपड़े लिए, हमें एला के कपड़े लेने थे तो हमने वहाँ से भी शॉपिंग की है। एंड देन इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग अगर जो है वो बीच ट्री देखेंगे तो पेपर लैंड को भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें बॉयज़ के जो कलेक्शन वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें जैकेट्स हो गई या शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई इस टाइप की, और जो गर्ल्स के भी काफ़ी अच्छे फ्रॉक्स वगैरह हैं। उसके अलावा वो मैंने इसमें नहीं लगाए हैं। एंड देन मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लगाई हैं जो कि रीस्टॉक आइटम है, और बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े थे, एंड आई वॉज जस्ट लविंग इवन सिंगल पीस, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने सोचा कि ना अपनी ऑडियंस को भी अपडेट करूँ, आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अभी इनकी बस जो है विंटर कलेक्शन वाली जो सेल है, इस पर कुछ कपड़ा जो है उनका लाइट भी है, कुछ फैब्रिक मोटा है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लें कि आप लोग जहाँ से हैं उधर से उसी एरिया के मुताबिक जो आप लोग उधर से ले सकते हैं। उसके अलावा बस आजकल जो है वो शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और इसी वजह से थोड़ी सी इनएक्टिव रही हूँ। एंड इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ डेली अपने व्लॉग्स हमारे शेयर होते रहे, उसमें कोई जो है ब्रेक नहीं आए। और मुझे आप लोग ये भी बताएगा कि मैं आप लोगों के साथ अपने शादी के व्लॉग्स भी शेयर करना चाहूँगी कि क्या तैयारी की थी और क्या क्या चीज़ें हुई थी। अभी भी मेरी चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हुई हैं, तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरी जैसे ही कंप्लीट होगी तैयारी, मैं आप लोगों के साथ वो वाला व्लॉग भी लगाऊंगी कि मैं किस तरह की मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या जो है वो आ गई हैं चीज़ें। इवन कार्ड्स भी आज प्रिंट होकर आ गए हैं, तो फिर मैं आप लोगों को कार्ड्स की अपडेट और ये वो सब कुछ देती रहूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है इवेंट्स हमारे अच्छे हो जाए, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को अपडेट करूँगी। उसके अलावा मैंने क्या क्या कपड़े लिए, और ये भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है, क्योंकि मैं कब से ढूंढ रही थी और मैं चाहती थी मेरे थोड़े से स्पेशल कपड़े होने चाहिए, क्योंकि मेरे घर में शादी है, बहुत ही क्लोज शादी है, तो उस वजह से आई वांटेड टू बी मतलब थोड़ी सी डिफरेंट हो, कपड़े अच्छे हो, इस तरह सी चीजें, फिर मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितने खूबसूरत खूबसूरत से कुर्ते हैं, इवन इसमें टू पीस भी है, शर्ट दुपट्टा एंड शर्ट ट्राउजर, ये वाली सारी चीजें। इनका मैंने आप लोगों को कुछ चीजों का तो रिव्यू करवाया ही था, तो अभी जो है मैंने आप लोगों को जो है कुर्ता एंड दुपट्टा दिखाया। एक ब्लू इस पे बहुत ज्यादा प्यारा है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मगर जो है ना उसका थोड़ा गला बहुत थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है, तो फिर ये इशू है कि कोई जो है वो लोग सारे हर कोई जो इतने बड़े बड़े गले नहीं पहनना पसंद करते, लेकिन उसका जो ड्रेस का स्टाइल था बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसी वजह से मैंने इसके अंदर आप लोगों के साथ टू पीस शेयर किए हैं, कुर्ता एंड दुपट्टा। कुछ जो है वो थोड़े फैंसी में भी आ जाते हैं, कुछ थोड़े सादे सादे भी है सिंपल टाइप, और ये ऑरेंज भी बहुत प्यारा है, एक जो ये टू पीस है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड देन मैं आप लोगों के साथ जो है ये सारी कलेक्शन शेयर करूँगी, आप लोग भी जाएँ इसको चेकआउट करें स्टोर में, और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन से पसंद आए, और इवन आप लोगों ने यहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी आप लोग ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अच्छा, इसमें इनके बैग्स भी बहुत क्यूट क्यूट से थे, मिनी से, उनके ऊपर भी काफ़ी जो है 50% की सेल थी, जो कि 6000 का बैग था, तो वो आपको 3000 में इजीली मिल जाएगा। शूज़ पर यही था कि अगर 5000 का है तो आपको 2500 में आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा स्टोलर्स थे, बैग्स थे, ज्वेलरी थी एंड परफ्यूम्स हो गए। अच्छा, परफ्यूम्स पे ऑफ नहीं था, मैं सोच रही थी कि परफ्यूम्स पे भी होता, लेकिन उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रीस्टॉक की स्टोर के अंदर, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। इवन वेबसाइट पे भी कुछ कुछ चीज़ें रीस्टॉक हुई हैं, तो आप लोग उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं जो आप लोग लेना चाहते हैं। विंटर की चीज़ें बहुत अच्छी थी, और फिर जो है ना विंटर क्योंकि थोड़ा सा कम अर्सा रहता है, तो बस फिर यही इशू है कि अभी जो है मैंने काफ़ी सारी विंटर की चीज़ें ली हैं, क्योंकि मुल्तान में जाना है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, अभी भी सुनने में आ रहा है। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो है सफायर की न्यू वाली कलेक्शन लगाई है, इंटरमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही क्यूट इसमें कलर्स हैं, और ये जो कुछ लोगों ने पहने हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इनकी पहने हुए लुक शेयर करूँगी, ताकि आप लोग देखें और आप
आप लोगों को आइडिया हो कि इनकी कितनी खूबसूरत सा इन्होंने इनकी स्टिचिंग कराई और पहन के कितनी क्यूट सी लुक आ रही है। और ये जो इनके फ्लावर्स वाले प्रिंट्स हैं ना, ये बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है सफार के भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आज का व्लॉग आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा, तब तक के लिए अल्लाह।